नरेंद्र मोदी गर्व से ले जाएगा सारे सीट को। तो राहुल गांधी के बारे में हम बात नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज ऑल्सो लीडर फ्रॉम द अदर अपोजिशन पार्टी, बट पार्टी हाई कमांड हैज फेल्ड टू प्रमोट द राइट इंडियन लीडर टू लीड द कांग्रेस पार्टी विच दे फेल्ड। नहीं नहीं, राहुल गांधी जैसे हमारा कोई मतलब नहीं, नहीं विचार कुछ नहीं नहीं, उनके बारे में हम जानते ही नहीं, हमें केवल मोदी चाहिए। राहुल को हम जानते नहीं, राहुल गांधी को आप जानते ही देंगे तो वोट समाजवादी। हाँ समाजवादी पार्टी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री। नहीं अखिलेश यादव जी अभी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं, हाँ काबिल नहीं है। कोई भी है सर वो आरजेडी जीतेगा सर वहाँ, कोई भी है सर वो आरजेडी जीतेगा सर वहाँ। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 400 पार सीटों का ऐलान किया है तब से पूरी इंडिया अलायंस में खलबली मच चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने अपनी पूरी सेना को ताकत से झोंक दिया है कि कैसे भी करके बीजेपी को सत्ता से हटाना है। आइए जनता से जानते हैं कि उनके इस बार वोट में क्या मुद्दे रहेंगे, वो किन मुद्दों पर वोट देंगी और क्या इस बार मोदी फिर रिपीट करेंगे या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं इनसे पूछें कि इनकी क्या राय है। क्या नाम? हमारी संजय झा नाम है। संजय झा नाम है जी सर। तो क्या यहाँ पे क्या करते हैं? हम पार्किंग तारकिंग का काम करते हैं। बस पार्किंग? और रहते कहाँ पे? रहते हैं अलीगांव में। तो क्या दिल्ली के ही हैं कि बाहर से कहीं? नहीं, हम दिल्ली में रहने वाले हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं। बहुत दिनों से? ऐसे मूल निवासी कहाँ के? हम बिहार से हैं। अच्छा बिहार से, तब तो बिहार में तो आपकी राजनीति में और रुचि होगी। बिहार में तो सबसे पहचान तो आपको है ये है, जो वहाँ का कॉलेज सबसे वर्ल्ड में नाम था, भारत में भी नाम था, और उस कॉलेज को आज राहुल गांधी का ही जो है कांग्रेस राज से आज तक से उस कॉलेज को नीचे ही दबा के रखा गया है। राहुल गांधी अब तक क्या किए हैं? राहुल गांधी एक मुद्दावादी लेके सब पार्टी को गठबंधन करके मगर हमारी देश की ऊंचाई को कभी नहीं चूमा है। जो मोदी किया है दो चुनाव से देख लो, मोदी जी जो काम किया है पूरे वर्ल्ड में अपना गुरु का नाम छवि किया है, इससे बड़ा तो मोदी जी का छवि को कोई मिटाने वाले तो है नहीं। तो क्या वोट कहाँ देते हैं आप? वोट देते हैं, वोट दिल्ली में देते हैं। दिल्ली में? तो बीजेपी यहाँ का ही एकदम एड्रेस वेड्रेस सब यहीं का? हाँ हाँ, बीजेपी का ही देते हैं। बहुत बढ़िया, कहीं तो भी रहेंगे बीजेपी देंगे। बीजेपी में? बीजेपी। तो क्या बीजेपी ने क्या काम किया जिसपे आपको लगता है कि बीजेपी हमारे देश के लिए गर्व कर दिए है? जो सबसे हर देश में जो इंडिया का नाम नीचा था उस इंडिया का नाम ऊंचा है, हमारा ऊंचा ही नाम रहेगा क्योंकि इंडिया सबसे ही ऊंचा देश था। आज वही पार्टी सब ने मिल मिल के आज इंडिया को नीचे किया है। मोदी जी जो आया है अपना गर्व से अपना धर्म के प्रति लड़ाई कर रहे हैं, वो किसी की राजपाट ले लड़ाई नहीं कर रहे, किसी की देश के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, अपनी देश की मर्यादा की लड़ाई कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपनी भारत की गर्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो भारत मेरी गर्व है, जो मानव अपने आप को देखिए सर, एक कहने वाली बात है, कहावत में कहा था कृष्ण जी ने, गौ और बछड़ा हिले घूर रहे हैं, सड़क घूम रहे हैं, खेत पथार घूम रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, मगर उसको आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। कुत्ते को ले लेके गठबंधन चल रहे हैं गाड़ी में, उसको इंजॉय मिल रहे हैं। जो मोदी जी जो कर रहे हैं सबसे मेरी धर्म के प्रतीक जो है, मानव को कोई जाति पाति के भेद रख के नहीं कर रहे मोदी जी, एक अपनी भारत की ऊंचाई को छूमने के लिए जा रहा है। जो मेरी खेत की एक मर्यादा है, जो मेरे किसान की मर्यादा है, जो मेरी भारत की मर्यादा है, जो मेरी भारत की राष्ट्र हिंदी है, उसको लेके मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी किसी की जाति पाति के लिए लड़ाई नहीं। गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ जुमले कर रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। गठबंधन के साथ में देख लीजिए, आज मैं कर रहा हूँ दावा के साथ, गठबंधन के पास सब कुछ झलक रहा है ऐना पे, मगर मोदी जी का क्या झलक रहा है ऐना पे? उस पार्टी का क्या झलक रहा है? राहुल जी को तो एक सुनाई और बात को जवाब देना ही है, और उसको बात है क्या? जनता के बीच में रखने का बात का सवाल है क्या? ये बीजेपी के कहा कहीं को तोड़ फोड़ के मरोड़ के आते हैं, मगर जितने पार्टी उससे हटे हुए हैं आज देख लीजिए, बीजेपी का गिराने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को, सरकार को गिराने वाले वही सब पार्टी है, मगर आज से जब से मोदी जी आया है कोई पार्टी को नहीं बुला रहा, उसके लंग खुद इंसान जाता है। जो इंसान में विश्वास है, जो हमारी भारत को बचाना है, मोदी जी किसी की जाति पाति से लड़ाई नहीं कर रहा। तो विपक्ष में क्या प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है जो
मोदी के को प्रधानमंत्री के टक्कर में देने वाला एक जोगी पीछे लगे हुए है, नहीं तो उसका नहीं, वो तो चलिए उसी पार्टी के हो गए तो वो पार्टी का रहे कहीं का भी रहे, वो लास्ट लाठी वही है सत्ता संवारने वाला। विपक्ष में कोई नहीं है, सरकार में राहुल गांधी भी तो है। राहुल गांधी युवा है पहले से, वो अगर सोचता तो वो माँ का टाइम में जो है ना अध्यक्ष ने बनता, वो अपना खुद अध्यक्ष रख के जो है ना आज उसको बनाने के लिए प्रधानमंत्री देश का जनता चाह, मगर देश की जनता के आगे वो क्या रखा है हमारे देश के ऊंचाई के लिए जो नरेंद्र मोदी रखा है। नरेंद्र मोदी जो जो है ना इस बार नरेंद्र मोदी गर्व से ले जाएगा सारे सीट तो को। क्या 400 पार होगा? 400 क्या, देखना आने वाले चुनाव पे। मोदी जी का जो बात है उनका कुछ भी आप ले लीजिए, देखो कोई इंसान 13 साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहे, व्हाट द डेवलपमेंट हैज डन, देखो ही हैज नॉट डन, वन मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, टीम ऑफ एफर्ट्स का जो है ही हैज गॉट द टीम, एक्चुअली एक टीम होने से एक विनिंग टीम बनता है, विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। ही हैज पिक्ड अप द वेरी गुड पीपल इन द सिस्टम, सिस्टम में ग्रीस हो गया है। पहले डर, अभी आजकल सबको डर लगता है, मोदी जी पीएम ऑफिस जो भी इंस्ट्रक्शन जाती है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ही टेक्स कंट्रोल ऑफ दैट और ही हैज गॉट सो मच पेशेंस। मोस्ट ऑफ माई पीपल दोज आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम वो बोलते हैं हर चीज़ का ही टेक्स द कंप्लीट डेटा, ही टेक्स द डेटा डिसीजन, नॉट मोदी जी डिसीजन, इट इज़ अ डेटा डिसीजन। 10 आदमी 10 सिस्टम में बैठ के बात करते हैं, जो देश का हित में सही होगा वही देगा। आप डॉक्टर हैं तो एक और चीज़ थी, हेल्थ में क्या बदलाव है, स्वास्थ्य में तो कुछ बदलाव आया? मुझे लगता है उनका स्वच्छ भारत अभियान के साथ स्वच्छ शरीर ऊंच नीति का हेल्थ एस्पेक्ट आ गया है। मुझे लगता है जितना शॉर्ट टाइम में जो कोरोना काल में जो रिसर्च इन्होंने कराया और जो वैक्सीनेशन का जो ये किया है, सो इट इज़ ए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अंडर इसको बनाया गया है। वो आयुष्मान कार्ड वो सबके लिए, आयुष्मान कार्ड सबको बना है, हर इंसान को, देखो हर नागरिक को मिलना चाहिए, वॉट एवर द डिसीजन इज। देखो ये 10 साल में एक फाउंडेशन का था, मुझे लगता है अगला 5 साल में ही विल वर्क मोर फास्टर देन व्हाट ही हैज डन नाउ। ये तो सिंपल इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन मोदी जी को नहीं जिताना हो, मैं अपना आम जनता को, अपना आम देश को, लवासी जितने हैं ना उनको हमें बचाना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जो काम इन्होंने फाउंडेशन डाली है इसको आगे तक लेके जाना है। सो दिस टीम हैज़ टू बी रिपीटेड इन ए टेक्निकली आल्सो साइंटिफिकली आल्सो, वी हैव टू रिपीट द टीम टू कंप्लीट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। 400 पार होगा होना चाहिए, आई थिंक इससे ज़्यादा एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। एक नेता ये चली वाला, और आपने कभी देखा है इनका 13 साल चीफ मिनिस्टर हो गया, 10 साल, 23 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया, आप बताइए कौन सा इंसान 23 साल में कर सकता है। कोरोना में आई लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स मैनी रिलेटिव्स, लेकिन मोदी जी काम करते ही रहे। मुझे लगता है सिंस यू आर फ्रॉम द मीडिया, वैक्सीन वार जो मूवी जो है हर देशवासी देखना चाहिए, क्योंकि हम छोटे इंटर में नहीं बोल सकते। वैक्सीन वार मूवी जो है और नाना पाटेकर का लास्ट सीन जो है वो देखना चाहिए। एनीबडी वॉचिंग दिस इंटरव्यू दे शुड वॉच वैक्सीन वार, बिकॉज हाउ द लीडरशिप वर्क्स, हाउ द टीम वी शुड बी रेस्पेक्टेड, हाउ द टीम शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीडिया और द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई लव दैट मूवी। द लास्ट सीन जो है ना, आपको भी देखो वैक्सीन वार में नाना पाटेकर ही मेक्स ऑल द डॉक्टर्स जो बिठा के जो बात हो रही है ना, मुझे लगता है वो लीडरशिप क्वालिटी है। सो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ पीएम मोदी जी द टीम हैज बीन डिलीवर्ड द थिंग्स ऑन टाइम एंड एवरी टाइम। सो मुझे लगता है भारत माता की जय जो हम बोलते हैं ना, वी शुड थिंक फॉर द मदरलैंड, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज। देखो देश का हित में जो कुछ भी अच्छा काम हुआ है ठीक है, अपोजिशन का मतलब क्या है, यू हैव टू सिट विद द रूलिंग पार्टी, गिव द डेटा, सर दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, बट नॉट दैट वट एवर यू डू आई टू अपोज एज ए अपोजिशन पार्टी, दैट इज द रॉन्ग। कभी घर में भी हम बात करते हैं ना, डैडी ये डिसीजन ठीक नहीं है, ऐसा करने से कैसा रहेगा, द वे हाउ यू पुट फॉरवर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है इनका पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी को हटाना है, मोदी ये नहीं किया, दिस इज अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड। एनी पर्सन विद द मेच्योरिटी यू शुड स्पीक विद द डेटा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सब कुछ कर ही रहे। मुझे लगता है वेरी सैड पार्ट ऑफ थिंग, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज गॉट वेरी ह्यूज हिस्ट्री इट वॉज देयर, बट द पार्टी आई कमांड कुड नॉट यूज द अपॉर्चुनिटी। देखो बाई द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग माई, देखो मेरा बच्चे में उनरे में आगे बढ़ाता हूँ, उनर नहीं है, आई लाइक अदर सीईओ, आई लाइक अदर सीईओ, आई डोंट ड्राइव माई चाइल्ड।
बिकॉज यू कैन डू द बेटर थिंग्स. सो इधर क्या हो गया, पार्टी में दे वॉन्टेड ओनली दैट फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली डायनेस्टी, वो गलत चीज हो गया. राहुल गांधी, देखो हर इंसान का एक लिमिटेड नॉलेज होती है, हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप इट स्पीक्स आउट. सो राहुल गांधी के बारे में हम बात नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज ऑल्सो लीडर फ्रॉम द अदर अपोजिशन पार्टी, बट पार्टी हाई कमांड हैज फेल्ड टू प्रमोट द राइट इंडियन लीडर टू लीड द कांग्रेस पार्टी विच दे फेल्ड. सो इवन टिल टुडे दे आर ओनली प्रोजेक्टिंग, आई हैव सीन दैट मेनी पीपल ओनली प्रमोटिंग राहुल गांधी जिंदाबाद, ही इज अवर लीडर. 85 ईयर ओल्ड मल्लिकार्जुन खड़गे, डू यू एक्सपेक्ट दैट ही इज ए लीडर और ही इज ए लीडर? If I have been there in his place, Mallikarjun is the senior most member, he should have been the leader and given the authority. But he does not have that because Congress culture is that. President to Mallikarjun. But he is not able to functioning like a president. No, I think Rahul Gandhi is authority, Priyanka Gandhi has been authority, Sonia Gandhi is the president. It's not that. He should give a free and fair administrative powers to the any leader. Tabhi wo leader ban sakta hai. Abhi aap like a jo. आपका थ्रेड मेरे हाथ में, रिमोट में पकड़ा हूँ, आप क्या काम करेंगे? हम दिल्ली साउथ एक्स के मार्केट में आ चुके हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं, तो आइए इनसे राय लेते हैं कि इनको ये किसको वोट करेंगे चुनाव में, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है. तो भैया क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर है जी. कहाँ से हैं? राजस्थान से. राजस्थान, तो क्या यहाँ काम करने बस कि यहीं पर रहते हैं? नहीं, काम करने के वजह से रहते. तो वोट कहाँ, वहीं देते हैं? वोट हम राजस्थान में देते हैं, बीजेपी को देते हैं. तो बीजेपी को देते हैं, आपने तो पहले ही बता दिया कि हाँ, मेरा तो लक्ष्य है कि हम तो जो भी मिलेगा उसे यही कहेंगे भाई मोदी जी को आना. क्यों, कारण क्या है? कारण यह, मोदी जी जैसा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं. कुछ वजह होगी? वजह कितने काम गिनाओ मुझे, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, कुछ गिनाइए. उसका 370 का वो कौन सी थी, 35 थी 36 थी वो राम मंदिर का, राम मंदिर, गरीबों को गेहूँ बांटना, राशन, कोरोना की जितनी भी बीमारी थी सब में सहायता करना, हमें तो मोदी जी को ही बात. तो राहुल गांधी जी पे क्या? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है. नहीं, विचार कुछ सोचते नहीं, नहीं उनके बारे में हम जानते ही नहीं. और विपक्ष में, और भी विपक्ष में चाहे कितने भी हो, चाहे लालू हो चाहे बालू हो, हमें केवल मोदी चाहिए. राजस्थान में तो थे कांग्रेस बहुत दिन से दिल रही, लेकिन जब उनका पलटा फेर हुआ, उनका जब हो गया नाकों तक, जब चने चबा हो गए तो आप कहीं कहीं तो पलटी होगी. अब उन्होंने खूब दम कर ली, वो फिर पलट गए, अब आ गए बीजेपी. तो वोट किसके नाम पे देंगे? हम तो मोदी के, मोदी के नाम पे वोट, मोदी के, मोदी के. राजस्थान में क्या कैंडिडेट? नहीं, राजस्थान में कुछ भी हो लेकिन मोदी के वोट है. मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी केवल. मतलब ये माने कि एक अकेला आदमी और उधर विपक्ष एकदम इंडिया लाइन. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ हाँ जी, और कुछ बताइए. बस इतना ही, हमें तो मोदी चाहिए. मोदी चाहिए तो क्यों चाहिए? ऐसा कुछ तो वो ऐसा इंसान हमें दुनिया में कोई देखा नहीं. गल्ला पप्पू आयर गए. अखिलेश यादव जी पे क्या? नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं जानते, मेरा कस्टमर खड़े है भाई. कोई नहीं, कस्टमर आप बनाते रहिए, कस्टमर का काम बनाते रहिए. सर सर से भी पूछ लूंगा. हाँ पूछो, चना जोर गरम है. सर तीन बना दीजिए. चुनाव पे कुछ बोलेंगे क्या, माहौल क्या चल रहा है सर? देखिए, हम तो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी के फैन हैं, और आई थिंक वॉट एवर वी हैव गॉट, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस दैट वी हैव मोदी जीज़ विजन विद अस. अच्छा ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी अच्छाई हुई है पिछले 10 साल में, और कि हमें मोदी जी जैसा विजनरी नेता मिला. और मैं अपने देश की जनता से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी बहुत सालों में बहुत कम आती है, इसको हम कभी भी गंवा नहीं सकते. यही हमारे देश को, जो पुरानी हमारी सभ्यता है, जो हमारा विकास हुआ, विकास था, जिस 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 ऊंचाई पे हम थे, ये उसी ऊंचाई पे जाने का रास्ता है. तो इसको हम गंवा नहीं सकते, हमें मोदी जी को ही सपोर्ट करना. विपक्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है या विपक्ष पे भरोसा ही नहीं है? विपक्ष पे कोई भरोसा ही नहीं है, किस चीज़ के लिए हम उनका भरोसा करें? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पूरी अलायंस कर रहे हैं, पूरी पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है और बोल रहा है बार बार, जनता को जगाने में लगा हुआ है कि भैया बीजेपी आवाज़ी कर रही है. कितने भी आज अगर मैं गिनाना चालू करूं तो मोदी जी ने हमारे लिए क्या नहीं किया. एक वो एक ऐसे नेता हैं जिसके पीछे उनका कोई ना परिवार है, ना कोई उनका खुद का अपना पर्सनल लाभ है,
वो हम जैसे लोगों के बीच से उठे हुए हैं और उनको हमारे अब भैया जी यहाँ पे बना रहे हैं है ना, हमें ठीक है हम शायद हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, हमको एजुकेशन मिली हुई है वो भी हमारी भारत देश ने हमको दी है, इन सब जो हमारे जो लोग जिन जो डेवलप नहीं हुए हैं आज तक उनके बारे में किसने सोचा है, केवल मोदी जी नहीं सोचा है, तभी ये यहाँ पे आपको खुल के कह रहे हैं कि मोदी के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। आज हमारे घर में जो लोग काम करते हैं वो सब भी उनको जो जिस तरह के वातावरण में उनका प्रोग्रेस हो रहा है वो केवल हमारे मोदी जी के द्वारा ही दिया गया। आज मुझे पता है जब हमारे पास हम शायद उतने संपन्न नहीं थे, मुझे पता है कि मेरे पिताजी दो तीन तीन घंटे की लाइन में लग के गैस का सिलेंडर लेते थे। आज क्या हम कभी भी कोई भी हम लोग में से इस चीज़ के लिए परेशान होता है? नहीं होता। आज हमारे पास वंदे भारत है, आज हमारे पास आर्टिकल 370 का समाप्ति है, राइट, आज हमारे पास जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, कितनी कितनी चीज़ें गिनाएं, देख इसका कोई अंत ही नहीं। और अभी तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो केवल आपको अभी तो ये ट्रेलर है, आगे क्या क्या होना है ये हम सबको देखना। तो 400 पार का क्या आंकड़ा? देखिए 400 पार होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ उससे ज़्यादा भी होना चाहिए, कहाँ पहुँचेंगे ये अलग बात है, वो तो देश की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन क्या वो डिज़र्व करते हैं इसके लिए? हाँ वो डिज़र्व करते हैं, हाँ वो डिज़र्व करते हैं, हाँ वो डिज़र्व करते हैं। तो क्या आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में मतलब अगर मैं और मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉज हैं और मेरे पेरेंट्स भी थे जो कि मोदी भक्त थे, राइट, और हम सब लोग और हमारे जितने भी दोस्त हैं सब उनको सपोर्ट करते हैं। सब क्या नाम है? दिनेश कुमार जी। तो कहाँ से हैं सर? ये सब सीक्रेट पीराम जरा साहब उसको आइए, कोई बताइए सर आपका क्या नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र, तो क्या ये किताब आप वो कर बेचते हैं? किताब बेचते हैं। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कमाई का आजकल तो वही है 200-500 बस। तो क्या देश के देश में कोई रुचि है? देश के माहौल में क्या चल रहा है? चुनाव का समय आ चुका है, चुनाव तो आ ही चुका है। हाँ, तो हैं कहाँ कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। तो चुनावी जगह से भी हैं आप, जान ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वही चल रहा है, बीजेपी। बीजेपी? हाँ। आपके दिल में क्या चल रहा है? बीजेपी है। कोई कारण? कारण हम शुरू से बीजेपी है, कारण कुछ नहीं, हम शुरू से ही बीजेपी है। कारण नहीं है कि मुद्दा भी कुछ नहीं है, बस बीजेपी है। हाँ, बीजेपी शुरू से। पूरा परिवार सबको सब। फिर भी जैसे विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने, वो तो एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाते रहते हैं, कोई भी आरोप तो लगाते रहते हैं सब। तो वोट देंगे तो किसके नाम पे देंगे? मोदी जी के चेहरे पे? फूल पे। मोदी योगी या फूल पे देंगे? बस फूल। हाँ। मोदी नहीं थे तब भी फूल पे था? हाँ, अभी भी है तो भी फूल पे। तो मोदी जी में कुछ पसंद है? मोदी जी कर रहे काम, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी पे क्या विचार? राहुल गांधी अभी थे नहीं। नहीं विचार क्या, अभी तो है राहुल गांधी है तो अभी, मगर कोई खास नहीं है। और आजमगढ़ से हैं तो उधर तो अखिलेश यादव जी का भी थोड़ा सा कुछ नहीं हमारे यहाँ अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव जी पे भरोसा नहीं। जातिवाद पे चल रहे हैं। चलिए हाँ, क्या क्या सब जातिवाद पे चल रहा है? सब कुछ नहीं है, जो जैसे जो अच्छा लगे वोट अपना दे, उसमें कोई वो नहीं है। नाम क्या है? नाम दिनेश कुमार। कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से जी। बिहार की राजनीति के बारे में कुछ बताइए सर। बिहार की राजनीति सर, बिहार में तो आरजेडी जीतेगा सर, उसमें कोई दिक्कत? आरजेडी जी। तो वोट किस पे देंगे आप? वोट तो हमारा लालटेन पे जाएगा। लालटेन जी। और वहाँ पे तो बीजेपी और वो कोई भी आएगा सर, वो आरजेडी जीतेगा सर वहाँ पे। वहाँ मोदी जी तो एकदम पूरी तो कितना भी तैयारी में सर, कोई क्या हो सर, सब तैयारी में होता सर, उसमें क्या है, वो इलेक्शन तो होता है सबके लिए। थे तो नीतीश यादव तेजस्वी जी एकदम गठबंधन करके थे, अचानक से सरकार गिर गई। ठीक है, तभी तो करे सर, अल्टू पलटू राम को तो क्या होगा बेचारे, यही होगा ना। हाँ, पलटूर तो पलटता रहेगा बार बार, तो क्या होगा, काम थोड़ी होगा, लोग जनता का भला थोड़ी होगा। मैं तो लालू जी ने तो अपनी बेटियों को भी। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता सर, जो भी है लड़ने लायक इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है, और लड़ने तो उसमें कुछ थोड़ी होता सर। उसमें क्या है? क्या नाम है भैया? रोहित। मेरा रोहित। रोहित क्या करते हैं? मेरा ये दुकान है। क्या हुआ था? क्या मेरी दुकान है छोटी? कौन सी? ये बगल वाली। तो क्या है, क्या माहौल है? माहौल चुनाव आ गया है, किसका
भाई बीजेपी का ही लग रहा है मुझे तो फिलहाल, और हो भी सकता है बीजेपी आ सकता है, 99% चांस है, 1% शायद नहीं है। आप किसको वोट करेंगे? मैं तो बीजेपी को ही करूँगा सपोर्ट। कारण के कारण क्या? अच्छे अच्छे काम कर रहा है वो। क्या क्या? जैसे देखो हमारे यूपी में कितना अच्छा काम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, है वहाँ की रोडें कितनी अच्छी बन गई हैं, कई चीज़ की दिक्कतें नहीं है, सारी दिक्कतें खत्म हो गई वहाँ, इसलिए बीजेपी हम चाहते हैं आए दोबारा। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में भी बीजेपी आए। दिल्ली में तो केजरीवाल जी जेल में, केजरीवाल तो जेल में चले गए, वो तो अब छूटने वाले नहीं है जल्दी। तो क्या ये विपक्ष बोल रहा है, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि ईडी को कंट्रोल कर रही है सरकार? भैया मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली में भी अगर चाहे तो बीजेपी आना चाहिए, तभी सुधार होगा दिल्ली का। तो आप क्या एकदम बीजेपी वाले प्रो? हाँ प्रॉपर। में क्या भरोसा ही नहीं है क्या विपक्ष? नहीं क्यों, विपक्ष में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी घोटाला वाले आदमी हैं, खाओ और खिलाओ वाले, हम नहीं चाहते ना खाओ ना खिलाओ, ईमानदारी का कमाओ खाओ, मेहनत का कमाओ। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, क्यों कुछ है सुना? वोट दिए कि नहीं अब तक? हाँ जी, हाँ जी दिए हैं, दिए हैं, पहले दे चुके हैं एक बार। हाँ जी। तो दोबारा है कि कितना देंगे? साल से वोट दे रहे हैं? बस एक साल दिए, एक बार दिए। मतलब एक ही बार दिए? हाँ जी। सेकंड टाइम सेकंड टाइम देंगे। तो किसको वोट दिए? बीजेपी को देंगे। क्या कारण कोई कि ऐसे? नहीं ऐसे अच्छे हैं, पसंद है बस, कोई कारण नहीं है, काम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता एकदम? नहीं। और राहुल गांधी से कोई कह रहा है? नहीं कुछ, हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे? राहुल को हम जानते नहीं, राहुल को, राहुल गांधी को आप जानते ही नहीं? कहाँ, दिल्ली से? दिल्ली बिहार से? बिहार से? हाँ जी बिहार से, हम दिल्ली रहते हैं। बिहार की भी राजनीति तो एकदम गरमाई हुई है, वो बोल रहे हैं आरजेडी आएगी। अब सबका अपना अपना मत है, सब अपना अपना बोलेंगे, जो आएगा हम जिसको पसंद करेंगे उसे देंगे। तो वोट यहाँ देना है कि बिहार? बिहार जहाँ भी मिलेगा वहीं देंगे। वोट आप कहाँ देते हैं? पिछले बार कहाँ? गाँव में दिए, बिहार में दिए। बिहार मतलब बिहार? बिहार में देंगे। हाँ जी। तो वहाँ पे क्या एकदम नीतीश यादव, नीतीश कुमार? क्यों सर? मैं तो भाई समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ अंबेडकर नगर में पांचों जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, और जो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी जितने नेता हैं सब मतलब अच्छे नेता हैं, ठीक ठाक हमारा संबंध है उनसे, और अंबेडकर नगर के लिए उन्होंने काम किया है, तो इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। हाँ। और मोदी जी और राहुल गांधी जी पे क्या विचार? मोदी जी ने भी अच्छा काम किया, ऐसा हम उनके लिए हम बुरा नहीं बोलेंगे, बट हमारा जो एक व्यक्तिगत है संबंध है उसके वजह से हम तो प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देंगे? हम प्रधानमंत्री के तौर पे हम मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी? हाँ नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप देंगे तो वोट समाजवादी पार्टी? हाँ समाजवादी पार्टी को। मतलब लेकिन मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब हो रहा भैया हो या ना हो, लेकिन हम आप वोट देंगे उधर? अब हमने तो हमारे पांचों विधायक हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी के, फिर भी सरकार नहीं है। हाँ सरकार नहीं। फिर नहीं आप जिताना चाहते हैं अखिलेश जी को? हाँ जिताना, और सत्ता में आपको चाहिए मोदी जी? हाँ क्योंकि विपक्ष में कोई हम विपक्ष में हमको कोई चेहरा मोदी के अलावा कोई दिख नहीं। भरोसा नहीं अखिलेश यादव जी अभी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी एक बार टूट गया। राहुल गांधी जी के बारे में हम क्या बोलें, वो भी नेता अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कर तो रहे हैं कोशिश? हाँ कोशिश कर रहे हैं, करेंगे कोशिश, संघर्ष करेंगे, भविष्य में बनेंगे। अभी मेरे समझ से मोदी का टक्कर देने वाला ऐसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। 400 पार जो मोदी जी ने? 400 पार तो नहीं होगा, 400 पार नहीं। फिर पिछले साल के से थोड़ा बहुत कम आ सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा का उम्मीद नहीं। क्या ये गठबंधन के कारण? हाँ गठबंधन से काफ़ी फर्क पड़ेगा। गठबंधन के कारण थोड़ा सा वो होगा, सीट कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। तो आपसे तो बात अधूरी, किससे बात अधूरी रह गई थी? हाँ उनके पास तो जा ही रहे। क्या भैया क्या हाल? क्या हाल? ठीक है। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से? मतलब सब बिहार से ही यहाँ पे? मुजफ्फरपुर जिला। हाँ। कमलपुरा गांव। कमलपुरा गांव। तो यहाँ तो सब क्या साथी में सब लोग आए थे कि? नहीं सब लोग अलग अलग हैं। सब लोग अलग हम अपने क्षेत्र का, हम यहाँ अकेला है।
अच्छा अकेले हैं यहाँ जी? तो कितने साल से यहाँ? हम 2004 से स्वीट कॉर्न है, उससे पहले वो बर्फ का गोला था, वो साइकिल पे लगाते थे। स्वीट कॉर्न तो कितना कमाई हो जाता है दिन भर में, क्योंकि पॉश इलाका है। पहले कमाई होता था 2,000-2,500 पर डे का, पर अब तो नहीं है। आज कोरोना कोरोना के बाद कितना बिक रहा है अभी मान के चलिए? हाँ, 400-500 तो डेहरी बन जाती जी, बन खर्चा काट के। हाँ, तो सरकार का क्या है, चुनाव आ गया है तो सरकार तो वही रहेगी, दूसरा थोड़ी आने वाला है। कौन रहेगी? बीजेपी रहेगी। कहाँ बीजेपी? बिहार में वोट डालते हैं? बिहार का भी है, यहाँ हरियाणा का भी है। नहीं नहीं, आप वोट कहाँ डालते हैं, बिहार में ही कि? नहीं, यहाँ भी डालते हैं। यहाँ भी? तो क्या लग रहा है बिहार में कौन जीतेगा? बिहार का तो अभी हम लोग नहीं बता सकते, बिहार क्योंकि यहाँ तो पता होगा ना कि आरजेडी और जेडीयू में गठबंधन था, फिर टूट गया। हाँ, ये अभी वो बता रहे हैं कि आरजेडी आएगी। आरजेडी क्या, बीजेपी का अभी मतलब बहुमत ज़्यादा होना चाहिए, वो लोग तो गठबंधन कर कर के आधा वोट काट लिए, इसलिए हमें ज़्यादा उम्मीद है बीजेपी ही है। बीजेपी ही? और देश में? देश में तो बीजेपी तय है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी? बस। कोई कारण ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग तो अपना कमाते खाते हैं, लेकिन पहले से हर चीज़ हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के तरह रहना चाहिए। पहले बहुत तरह का विवाद होता था कांग्रेस के टाइम में, हर चीज़ का देखा जाता था कि भाई उस टाइम क्या था, अभी क्या है, वो चीज़ का है अनुभव कि बीजेपी देश के लिए ठीक है। इसीलिए काम में क्या काम कुछ है? काम तो जो है वो तो होता ही है। देखिए, नेता लोग किसी का ना होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि पहले भी कितने नेते आए और गए, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगा कोई मदद ना करेगा। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन जिनको देश बचाना है उनको बीजेपी को देना चाहिए।